प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो है जो हम लोगों ने सनफ्लावर रेडी किया हुआ था वो आकार आप देख सकते हो। तो ये हम लोगों ने बनाया कैसे है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, उसका तरीका क्या हो सकता है वो भी देखा। तो आज हम लोग जो है इसमें कलर कैसे भरना है उसका भी एक हमने आइडिया लिया हुआ था कि येलो कलर या फिर उसका जो सेंटर है वो किस तरह का डिज़ाइन रहेगा या फिर जो लीव्स हैं पत्तियां हैं उनका कलर कैसा रहेगा। ठीक है, तो आज को इसको सनफ्लावर का पूरा कंप्लीट कलर कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हम अभी के लिए येलो कलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि कलर करने में भी टाइम लगता है और प्लस आपको जो है हम जो वाटर कलर्स हैं वो आपको हम बाद में बताएंगे आलेखन के टाइम पे कि वाटर कलर्स कैसे यूज़ करने हैं। तब तक हम अभी ये पेंसिल कलर ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये थोड़ा सा सेंटर पे भी हमने इसको जो है येलोइश किया हुआ है। क्योंकि कलर भरने में इतना टाइम लगता है तो तब तक आप लोग भी जो है कलर भर सकते हैं उसी ड्यूरेशन में। ताकि आपको भी एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े तो इसमें SH कलर्स के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि जब मैं आपको डिज़ाइन बताता हूँ उस टाइम के बाद जब डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जब कलर का हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अलग से कलर कौन सा फिल करना है। इसके लिए पूरा कलर भर के मैं आपको जो है वीडियो में बताऊँ या फिर आप लोग कहेंगे तो जैसा अभी वीडियो बना रहे हैं वैसा भी फिर से भी बन सकता है, चाहे वो आलेखन हो चाहे वो हमारी और भी कोई डिज़ाइन हो। क्योंकि हमारे यहाँ अभी स्मृति चित्रण भी है, मानव चित्रण भी है, आलेखन भी है, ये सारी चीज़ें ही हैं, ये हर तरह के चित्रण हैं। तो आप जितना ज़्यादा कलर का भी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में आप उतना ही जल्दी फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज कलर में टाइम वेस्ट होता है काफ़ी। बीच बीच में आप इन कलर्स का भी हेल्प ले सकते हो। ये अभी के लिए मैंने इसमें येलोइश किया हुआ है, इसको हम एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। और यदि थोड़ा और सुंदर दिखाना है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा ऑरेंज बॉर्डर से दे देता हूँ।
अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि ये जो आपका हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे हल्का सा मैं इस तरह का डिजाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम इसको ब्लैक से थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा येलो से और फिर हम इसमें ऑरेंज हमने किया ही था, तो इसका कलर एक्चुअली फिल करना है हमें, तो हम कलर ले सपोज ऑरेंज से ही फिल कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेंटर का जो कलर है वो किस तरीके से आया हुआ है। और प्लस आपका जो इसकी पत्तियाँ हैं इनका भी कलर कैसे आया हुआ है। यहाँ पे भी चाहे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे भी दे सकते हैं इसको हल्का सा, या यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये इस तरीके से डिजाइन जैसा कि हमने सेंटर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने ये यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन दे दिया है। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमें एक्चुअली ग्रीन कलर भरना है, तो ग्रीन कलर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे तो ये जो तने का और पत्ती का रंग है ये हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। हम लोग कलर देने का तरीका कैसा भी रख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, और थोड़ा सा हल्के हाथों से ही ट्राई करेंगे ताकि वो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे।
ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा जो पत्ती का कलर है वो आपका कंप्लीट डार्क नहीं रखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा स्केच पेन का यूज़ करते हैं और ग्रीन कलर का स्केच यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हल्का सा यदि आपको लग रहा है कि कलर थोड़ा कम है तो कलर आप ऐड और कर दो इसमें। तो आप लोग देखोगे कि ऑलमोस्ट जो है कलर हमारा रेडी हो गया है। अभी एज सच इसमें देखेंगे तो हमारे पास कलर के लिए नहीं है, तो हम इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जो हमने बताया था कि जो हमारा पेंसिल का थोड़ा सा जो निशान रह जाते हैं उनको हम हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सूरजमुखी के फूल में हमने कलर दिया हुआ है। आप चाहो तो कुछ और भी कलर इसमें ट्राई कर सकते हो, या यहाँ पे जो ऊपर की तरफ डिजाइन दिया है या नीचे की तरफ यहाँ पे जो डिजाइन दिया है इनसे भी हटके कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। हमारा जो फाइनल एम या गोल है वो है कि कलर या फिर आपका जो जो लुक है फूल का वो सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही बताने वाले हैं कलर के बारे में। आप लोग कुछ और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, और यदि कुछ नया अलग से ट्राई किया हुआ है या कोई और शेप या डिज़ाइन का जो एंगल है वो चेंज किया हुआ है फूल का भी, तो उसका भी फोटो या वीडियो यदि बनाया तो अच्छी बात है। यदि इमेज वगैरह भी है तो भी चलेगा, तो वो आप लोग हमको व्हाट्सएप लिंक पे भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ये फूल के लिए आज के लिए इतना ही। अभी जो इसके पहले हम लोगों ने स्मृति चित्रण देखा है तो उसमें अभी हम लोगों ने केवल 4 आइटम्स देखे हैं, तो जिसमें कि हम लोगों ने लोटा बनाया था, थर्मस बनाया था, कप प्लेट बनाई थी और जग बनाया था। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और भी देखेंगे स्मृति चित्रण के बारे में। और यदि स्मृति चित्रण के अलावा यदि आप लोग को यदि फूल में ही कोई देखना है तो अगली बार हम लोग यहाँ पे एक फल भी ट्राई कर सकते हैं जो कि अभी के लिए आम है। तो ये एक एक करके हम लोग फलों को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।